तो बीजेपी की तैयारी है ममता के गण में सेंधमारी की। आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिन के दौरे को शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी आज सुबह झारखंड से दौरे की शुरुआत करने वाले, दोपहर को पश्चिम बंगाल और फिर कल बिहार में सौगातें देने के साथ साथ रैलियों का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी आज पहली रैली धनबाद से करेंगे, उसके बाद पीएम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को देखते हुए आज सबकी निगाहें पीएम मोदी की आरामबाग में होने वाली रैली पर टिकी हुई है। पीएम मोदी आज पहले आरामबाग में परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में मोदी सीधे ममता सरकार पर हमला कर सकते हैं, ममता सरकार पर वार कर सकते हैं। तो बीजेपी की पूरी तैयारी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की है। तो 2 दिन 3 राज्य का ये पूरा लोकसभा का प्लान, जिसमें कि लोकसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों का एक अहम दौरा, उसकी शुरुआत पीएम मोदी करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे से बीजेपी पूरब की जो 96 सीट्स है उनको साधने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंके हुए। इसके अलावा बंगाल दौरे से बीजेपी 42 सीट को साधने की कवायद में नजर आएगी। बिहार की 40 सीट पर जनाधार को बढ़ाने की जो कोशिश है इन दौरों से वो भी रहने वाली है। प्रधानमंत्री 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे, ये पूरा प्लान है पीएम मोदी का। झारखंड की 14 लोकसभा पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। 2 दिन 3 राज्य और लोकसभा का पूरा प्लान, जिसमें किन किन सीट को साधने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार है, पीएम मोदी के दौरे पर सभी की निगाहें रहने वाली है। और रविंद्र कुमार के पास जाएंगे। रविंद्र, 2 दिन यानी 48 घंटे में 3 राज्यों को फतेह करने के लिए जो पूरा एक्शन प्लान है पीएम मोदी का, वो तैयार नजर आता हुआ? देखिए, विंटर सेशन के समय ही पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग हर राज्यों में, या कम से कम स्ट्रेटेजिक तौर पर पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण राज्य हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वहां पर रैलियां कराई जाएगी, विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपने देखा केरल में 3 बार जा चुके हैं, तमिलनाडु में 2-3 बार गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, गुजरात, गोवा, और अब 2 दिन में 3 राज्यों को मंथन करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल का, क्योंकि 2019 का जो पार्टी का परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करना, उससे ज़्यादा बढ़ाना है। पार्टी वहां पर टारगेट 25 सीटों का रखी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन के लिए जाएंगे, जैसा कि आपने भी बताया कि आज जब आरामबाग पहुँचेंगे, वहाँ विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, उसके बाद आरामबाग में जब रैलियाँ करेंगे, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि रात्रि विश्राम भी कोलकाता में कर रहे हैं राजभवन में प्रधानमंत्री, और कल कृष्णा नगर में भी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और रैलियां करेंगे वहां पर। तो 2 दिन में 2 रैलियां और हजारों करोड़ का विकास योजना, तो प्रधानमंत्री की और बीजेपी की रणनीति साफ है। एक तरफ सियासत तौर पर वहां पर अपनी सीटों को मजबूत करना, जनाधार बढ़ाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र, बिल्कुल रविंद्र कुमार मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ समित सेन गुप्ता है, वेरी गुड मॉर्निंग समित। आपको भी देखिए, आरामबाग का जब मंच होगा तो पीएम मोदी की ललकार पर सभी की निगाहें होंगी। एक तरफ परियोजनाओं की शुरुआत होगी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाने साध सकते हैं इस दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री संदेश खाली मामले के बाद यह पहला मौका है जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। देखिए, बार बार पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है, अब ममता बनर्जी खुद केंद्र सरकार को कोसती रहती है कि विकास के विषय में, और पैसा हाल ही के दिनों में जो मनरेगा का पैसा रुका हुआ है या फिर पीएम आवास योजना का पैसा रुका हुआ है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आंदोलन छिड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब संदेश खाली का भी घटना घटी है, इसके बाद कल शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, और जो राजनीतिक पारा है वो काफ़ी ऊपर चढ़ चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल में आना, आज वो 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट को लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे, और कल भी वो रहेंगे, और रात को, खास बात है कि रात को भी कोलकाता में रहेंगे बतौर प्रधानमंत्री। जब कोलकाता में वो राजभवन में रहेंगे तो जाहिर, तो जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है, सेक्रेटरीट सूत्रों से, शायद ममता बनर्जी उसको सरकारी बैठक ममता बनर्जी, बिल्कुल समय। तो रविंद्र मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक खास रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है, कवरेज जारी लगातार है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने का कार्यक्रम है, लेकिन संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और पूरे मामले पर सियासी बवाल मचने के बीचों बीच ममता के लिए प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा टेंशन बढ़ाने वाला दौरा साबित हो सकता है। कैसे, देखिए रिपोर्ट।
दीदी के गढ़ में दहाड़ेंगे प्रधानमंत्री। संदेश खाली में बवाल, पीएम मोदी पूछेंगे सवाल। दीदी की चाल, बेटियों की सुरक्षा पर होगा सवाल। बेटियों की सुरक्षा पर आंच, सीआईडी करेगी जांच। ममता की गुंडा शाहजहां, ममता की पुलिस, ममता की सीआईडी। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दियाओ। संदेश खाली का खलनायक 10 दिन की पुलिस हिरासत में है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के आने की तैयारियां जोरों पर हैं। मंच सज चुका है। अब से कुछ घंटे बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचेंगे, तो इसी मंच से ममता बनर्जी के खिलाफ ना सिर्फ चुनावी बिगुल फूंकेंगे, बल्कि संदेश खाली पर घिरी ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी तीर भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री यहां करीब 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। हुबली में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार पहुंचे। दरअसल चुनावी समर में टीएमसी से सीधी लड़ाई में पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद अहम है। बीजेपी हर हाल में यहां से भी पिछली बार की तुलना में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि टीएमसी के खाते में 22 सीटें आई थी। कांग्रेस को 2019 में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। संदेश खाली के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख की हिरासत के बाद दीदी ने भले ही उसे पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन संदेश खाली के महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अजीब सा सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में कि एक बंदा जिन्होंने ईडी या एक ऑफिशियल लीगल लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों को मारा है, उन पर वायलेंस किया है, जिन्होंने बड़े खुलेआम वो दर्शाता है कि वो लॉ से नहीं डरते हैं और लॉ को वायलेट करते हैं, और उनको वेस्ट बंगाल पुलिस ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो वीआईपी हो। दरअसल पश्चिम बंगाल में दीदी के किले में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में बंगाल में कांटे की टक्कर दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार एक सीट कम यानी 17 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 24 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार से 2 सीट ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा है। वहीं इसी हफ्ते में वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस बार वो उत्तर 24 परगना पहुंचेंगे, जहां महिलाओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जाहिर है बीजेपी की तैयारी संदेश खाली पर ममता सरकार को घेरने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।